बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर व्लॉग नंबर 5। ये इस्लामाबाद जिस होटल में हम ठहरे थे वहां से उसका बाहर का व्यू था। हमने नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके प्रोग्राम बनाया अपने, क्योंकि वापस सियालकोट निकलना था तो हमने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम फैसल मस्जिद से होते हुए जाए। तो चूंकि टोटली अपोजिट डायरेक्शन में थी फैसल मस्जिद, फिर भी हमारे पास थोड़ा सा गैप था टाइम में, तो हम फैसल मस्जिद देखने के लिए रवाना हो गए। तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, धूप फुल अपने जोबन के ऊपर थी, तो हमने फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से बस एंजॉय करते हुए सफर को फैसल मस्जिद हम पहुंचे। यहाँ पे हमने जो बाहर खड़े होते हैं लोग उनसे कुछ सनग्लासेस वगैरह ली, जो आम बाजार में 200-200 रुपए 300-300 रुपए की मिलती हैं, इधर वो 800-1000 रुपए की मिल रही थी। मैंने तो नहीं ली, बाकी हम सब ने, हमारे सब रिलेटिव ने और हमारी मिसिज ने ली थी सुवीनियर। तो वहां पे हमने ये जनरल ज़ियाउल हक़ के मज़ार की भी ज़ियारत की, ये उसके अंदर का कुछ मनाजर आपको दिखा रहे हैं। बहुत साफ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे हमने फातिहा खानी करके फिर हम अंदर वाली तरफ चले गए, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, मार्बल कहीं कहीं तो बहुत अच्छा था लेकिन कहीं बहुत भी गर्म भी था। तो ये हम अंदर आके थोड़ी देर बैठ गए यहाँ पे, फिर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर हम फर्दर आगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। और ये जो अंदर हॉल वाला एरिया जहाँ पे उस वक्त तो बंद था, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ नमाजों के टाइम और खास मौकों के ऊपर ही खोलते हैं। बहुत खूबसूरत रेड कलर के ये कारपेट अंदर पीछे हुए थे, और सामने एक कुरान का इन्होंने बनाया हुआ, आई थिंक इसके ऊपर कोई सूरत वगैरह लिखी होगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदर से व्यू था इसको हमने देखा। यहाँ पे बहुत ही दिल को ऐसे कह रहे हैं ठंडक सी मिलती है इस एरिया को देख के और ये पूरी फैसल मस्जिद को देख के। तो उसके बाद हम गर्मी और टाइम भी तरह गुजरा था, फिर हमने वापसी की तरफ रवाना हो गए। व्यूअर्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।